नमस्कार सभी को। साथियों, मैं आचार्य अवधेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं अपनी वीडियोस में, और बाकी देश विदेश से जिस तरह से लोग हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, आज हम नए लग्न की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपके जितने भी लग्न हुए हैं उनकी आपने वीडियो देखी। आज हम डिस्कस करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न अंक 8 होता है। जो आप अपनी कुंडली अगर देखेंगे तो आपकी कुंडली के इस भाव में, यानी कि प्रथम भाव में 8 का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। अब 8 अंक और जो प्रथम अंक है, यानी कि प्रथम भाव और छठा भाव, इसका स्वामी एक ही होता है, वो है मंगल। यानी मंगल मेष का भी स्वामी है, मंगल वृश्चिक का भी स्वामी है। अब ये कुंडली में थोड़ा बहुत भी आप जानकारी आराम से कर सकते हैं, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1 मतलब मेष राशि, 8 मतलब वृश्चिक राशि, दोनों का स्वामी मंगल। अब मंगल की कुछ बेसिक चीजें हैं। मंगल इनका स्वामी है, इस लग्न का स्वामी मंगल है। प्रथम भाव और छठा भाव इस वृश्चिक राशि के स्वामी का होता है, यानी कि प्रथम और छठे भाव दोनों को स्वामी मंगल है। मंगल उच्च होता है अगर वो मकर राशि में आता है, और ये नीच हो जाता है अगर वो कर्क राशि में आता है। दूसरा, मंगल के मित्र ग्रह है सूर्य। सूर्य तो नॉर्मल ग्रह भी होता है, हालांकि सूर्य कई बार इसमें नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। सूर्य, बृहस्पति और केतु, ये इसके मित्र ग्रह होते हैं, गुरु जिसे कह सकते हैं बृहस्पति को। और शत्रु ग्रह होते हैं शनि और राहु। इसकी जाति स्त्री है, कहने को तो ये बहुत ही विनम्र रह सकता है, लेकिन ये उग्र रहता है। ये कभी कभी अपने तत्व के हिसाब से ये वायु तत्व है, क्योंकि मंगल भगवान हनुमान को आप सब जानते हैं, वायु तत्व है, स्त्री जाति है, और ये थोड़ा आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। तो इसमें आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल शुरू सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए और उसका बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से इस लग्न के जातक को समस्याएं आती हैं, क्या इसका स्वभाव रहता है, कैसे इसके रोग हो सकते हैं, और इसका भाग्योदय कब कब हो सकता है, और किन किन चीजों से इसे सतर्क रहना है, और अपनी कुंडलियों के हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं आपका वृश्चिक लग्न। अब पढ़ते हैं ये किस तरह का व्यक्ति और कैसे होता है। देखिए, अगर वृश्चिक लग्न है तो नेचुरल सी बात है उसमें मंगल का इफेक्ट ज्यादा होगा। मंगल थोड़ा सा आक्रामक होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, दूसरों को डराने वाला होता है, लालिमा लिए हुए होता है, कूद फांद करने वाला होता है, किसी की सुनने वाला नहीं होता है। तो यही गुण इस व्यक्ति में आते हैं। ये बहुत गुस्सा करेगा, गुस्से में क्या होगा, झगड़ा करेगा, अपना नुकसान कर बैठेगा। कई बार प्रॉपर्टी के विवाद में भी इस तरह के लोग नुकसान करते हुए दिखते हैं। माता पिता भाई बंधुओं से प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, किसी बात पे गुस्सा आ गया, छोड़ के चला जाएगा, इसे भी तुम रख लो। तो मतलब अपनी बात को स्पष्ट तौर पे नहीं रख पाता है, बल्कि गुस्से में मामले को बिगाड़ देता है। अगर ऐसा लग्न है तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, वरना आप अपना ही लॉस करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। दूसरा, बदला नहीं छोड़ेगा ये बंदा। इसलिए खास बात यह होती है क्योंकि मंगल है, मंगल अपना बदला किसी पे नहीं छोड़ता है, तुरंत फैसला करेगा ऑन द स्पॉट। ऐसे लोगों को अपने साथ शस्त्र नहीं रखने चाहिए। अगर आपका वृश्चिक लग्न है और उसमें थोड़े से भी पाप ग्रह है तो उस पर भूल कर भी आपको शस्त्र नहीं रखने चाहिए, आप तुरंत शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दुश्मन बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वृश्चिक लग्न के जातक के भाग्य में विश्वास कम ही रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग ना तो ईश्वर को मानते हैं शुरुआत में, जीवन की शुरुआत में ना तो ईश्वर को मानते हैं, ना ही ज्योतिष पे यकीन करते हैं। ज्योतिषाचार्यों से बहस भी कर लेते हैं, उनसे कहते हैं ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, इस तरह के योग इनके होते हैं। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, कर्म प्रधान होता है। ये कहते हैं नहीं, जो हम करेंगे वही सही है, जो हम करेंगे उसी का फल भोगेंगे। पर जीवन के मध्य काल में इनको एहसास हो जाता है कि सब कुछ कर्म नहीं होता है, कुछ आपका भाग्य भी होता है। तो बाद में आके ये भगवान की मूर्ति में, भगवान में, ज्योतिष में, बाद में आके इनमें विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये देवताओं की पूजा शुरू करेंगे, मंदिरों में जाना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उससे पहले ये भगवान की मूर्ति को, ज्योतिषियों को ढकोसला मानते हैं। तो इसको थोड़ी सी प्रवृत्ति को बदलिए। अगर आपकी वो आयु कम है, अभी आप युवावस्था में है और आपको लगता है कि सब कुछ कर्म है, तो उस प्रवृत्ति को थोड़ा बदल लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आप लॉस उठाएंगे। ये तो इसका नॉर्मल स्वभाव होता है। अब देखते हैं दूसरी बात में क्या है।
इस लग्न के लोग जो प्रारंभ में जीवन की शुरुआत में माता पिता के परम भक्त होते हैं, ये लग्न है माता का स्वामी चतुर्थ और पिता का स्वामी दशम। दसवें भाव के पिता को और माता के उस भाव को भक्ति की तरह मानता है, ये मानता है कि सब कुछ इन्हीं की देन है और पत्नी पे भी दबाव बनाता है, मेरे माता पिता की सेवा तुम्हें करनी है। शुरुआत में ये पत्नी का अपमान भी करता है, माता को सपोर्ट करेगा, भले ही माता गलत हो पूरी सपोर्ट माता को करता है, पत्नी की नहीं सुनेगा, ये इसकी प्रवृत्ति है। पत्नी से कहेगा इनकी सेवा करो, भले इनकी माता इसकी सेवा कराना चाहती हो ना कराना चाहती हो, ऐसे जातक की माता अक्सर चुगलखोर होती है माता, और वो बार बार पत्नी पे दबाव बनाता है कि माता की गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, इसको अपमानित करता रहेगा, समाज में अपमानित करेगा, लोगों के बीच में अपमानित करेगा, हाथापाई भी कर सकता है पत्नी के ऊपर। तो ये इसके योग होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, पत्नी का अनादर करते हैं, माता के सामने पत्नी को अपमानित कर सकते हैं। शुभ ग्रहों के योग में क्या होगा, ये अपनी गलती सुधारेंगे, इन्हें फिर धीरे से एहसास होगा नहीं पत्नी सही थी, माता की कहीं गलती थी, तो पत्नी के साथ सपोर्ट करेंगे, उस समय इनका माता से विवाद हो जाएगा, पत्नी का साथ देंगे। इनकी पत्नी में एक और समस्या आती है, अगर पत्नी जो सप्तम भाव है, अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा एक कुंडली, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक राशि को देख के अपनी जन्म कुंडली मान लेते हैं, उस राशि को पढ़ेंगे अखबार में, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ना तो सिर्फ लग्न आपकी पूरी कुंडली बता सकता है, ना ही राशि आपकी पूरी कुंडली बता सकती है, किसी एक ग्रह से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। ये तो एक आम तौर पे है कि अगर ऐसा है तो ये योग तुम्हारी कुंडली में ज्यादा हो सकते हैं, बाकी उन पर ग्रहों का भी इफेक्ट होता है, हो सकता है ग्रह बहुत अच्छे हो तो माता भी अच्छी हो पत्नी भी अच्छी मिले, हो सकता है ग्रह खराब हो ना माता रहे ना पत्नी रहे, अलग अलग सिचुएशन होती है। तो यहां अगर सप्तम भाव पे पाप ग्रह है तो क्या होता है, इसकी पत्नी का रुझान अपने मायके की तरफ ज्यादा हो जाएगा, वो मायके की तरफ ही भागेगी, जिस शहर में उसके मम्मी पापा भाई बहन रहते होंगे उसी शहर की तरफ वो मकान लेने की कोशिश करेगी। अगर इन्हें संतान नहीं हुई तो अपने ही भाई के बच्चों को संतान गोद लेने की कोशिश करेगी, ये इसकी समस्या बन जाती है, मायके की तरफ बहुत ज्यादा भागती है, और इनकी जो प्रेमिका या पत्नी होती है अक्सर वो इन्हें छोड़ भी देती है, क्योंकि ये जिद्दी होते हैं। अगर ये नहीं सुधरे, अपने माता पिता के ममाज बॉय बने रहे, उनके भक्त बने रहे, पत्नी की सुनते ही नहीं है, तो प्रेमिका या इनकी पत्नी इन्हें छोड़ देगी, इनके जिद्दी स्वभाव के कारण छोड़ देगी, ये अपनी प्रेमिका से बार बार कहेंगे कि शादी के बाद तुझे मेरे माता पिता की सेवा करनी है, और प्रेमिका बार बार मना करेगी, और इस स्वभाव के कारण प्रेमिका इन्हें छोड़ देगी। तो ये वृश्चिक लग्न के लोगों में बहुत अक्सर होता है कि वो माता के पिता के परम भक्त होते हैं, शुरुआत में भले ही उनकी माता गलती करती है पर वो पत्नी की नहीं सुनेंगे, प्रेमिका की नहीं सुनेंगे, वहां से उनके जीवन में विवाद बनने शुरू हो जाते हैं। आगे आइए, दूसरा है कि अगर इसका लग्नेश यानी कि जो मंगल है, लग्न मंगल का है, लग्नेश मंगल है, मंगल मतलब लग्न का स्वामी मंगल है, लग्नेश अगर पाप ग्रहों से दूषित हो यानी उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, हालांकि मंगल का शनि कहीं ना कहीं मित्र भी बन जाता है पर ज्यादातर वो शत्रु रहता है, शनि की दृष्टि पड़ जाए उस पर, केतु के योग पे राहु का ग्रहण योग बन जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, ये चाहेगा कि जहां भी बहस हो ये हर बहस में जीते, ना जाने भी बहस में कूदेगा, बहस में जीतने की कोशिश करेगा, इसलिए लोग इससे बचना शुरू हो जाते हैं, इनके झगड़ा करते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, ये ऐसे लोग हो जाते हैं जो कामचोरी करना शुरू कर देते हैं, मंगल है पाप ग्रहों से चला गया तो उल्टा इफेक्ट देना शुरू करेगा, शराब बीड़ी भांग गुटखा तंबाकू सूखा नशा तक ये लोग करना शुरू कर देते हैं, सूखा नशा इन्हें बहुत पसंद आता है, धूम्रपान, पत्नी प्रेमी। अच्छा एक और योग मैं इनका बताता हूं, यदि इनका लग्नेश पापी हो जाए तो इनकी पत्नी और इनकी प्रेमिका थोड़ी सतर्क रहना, उस स्थिति में ये आपको भी सिगरेट पिलाने की कोशिश करेंगे कि तू भी पी के देख, आपको भी दारू पिलाने की कोशिश करेंगे, तू भी शराब पी, मेरे साथ पिया कर, मेरा पैग बनाया कर, ये पत्नी को उस पाप में विलुप्त मतलब उस पाप में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और वो उस पाप से बच नहीं पाती है, मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी पत्नी भी इनके साथ बैठ के सिगरेट पिए, ये कोशिश करेंगे इनकी पत्नी इनकी प्रेमिका भी इनके साथ दारू के पैग बनाए, तो ये समझ लेना इनका लग्नेश कलंकित है, और ऐसी प्रवृत्ति में आपको बहुत जरूरी है कि इनकी कुंडली का विश्लेषण करा लें। अवैध संबंध बहुत ज्यादा इनके हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और यदि ये कुंडली किसी महिला की हो जाए, अगर महिला है वृश्चिक लग्न की और इसका लग्नेश थोड़ा पापी है, तो उस कंडीशन में ये महिला जुबान जोर हो जाएगी, ये महिला चिड़चिड़ी रहेगी और मन मन में गालियां बकती रहेगी, इसे कुछ कहोगे तो एक किचन में जाके कुनन कुनन करती रहेगी और गालियां बकती रहेगी, ये एक टाइप की झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी,
चिड़चिड़ी होगी, चिड़ने वाली होगी, ज्यादा बोलने वाली होगी और इसके अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये अगर शादीशुदा है तो अवैध संबंध, शादी के बाद इसका अवैध संबंध चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये एक प्रेमी के होते हुए उसको धोखे में रख के तुरंत दूसरा अफेयर चालू कर लेती है और फिर दूसरे के साथ चली जाती है और फिर आगे चल के धीरे धीरे तीसरे के साथ चली जाती है। ये इसकी कुंडली के एक नेगेटिव योग बनेंगे। अगर ऐसा है तो आपके कुंडली को अपना सुधारने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर लग्न में केतु आ जाए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक लग्न में केतु। अब मैं आपको एक केतु और राहु की बात बताता हूं। राहु और केतु आप सभी जानते हैं, उसकी गर्दन काट दी गई थी तो सर हो गया था राहु का और धड़ हो गया था केतु का। तो केतु को सिर नहीं दिया और राहु को शरीर नहीं दिया। तो केतु को दिल है, हृदय है और राहु को दिमाग है। तो लग्न में अगर किसी कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर लग्न में केतु बैठा है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति दिमाग से काम लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दिमाग नहीं है। केतु अगर मंगल का लग्न है, केतु उसमें बैठा है तो व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, थोड़ी थोड़ी बात पे रोएगा, लड़कियों की तरह आंसू बहाता रहेगा। इसे आप कुछ पूछोगे क्या हुआ तो रो पड़ेगा, ये रोएगा बहुत, हृदय इसका बहुत ही टूटा रहता है, ये दिल का हारा व्यक्ति होता है। इसके साथ इतना बुरा हुआ होता है कि इसका हृदय टूट जाता है और ये इतना असहाय हो जाएगा कि ये समझ नहीं पाएगा इसे करना क्या, ये अपनी बातें रख भी नहीं पाएगा और इसकी आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। तो अगर केतु है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा प्रेम की आवश्यकता होती है, उसको थोड़ा प्रेम से देखेगा, ये बात बात पर रो पड़ेगा। इसका व्यापार नॉर्मल रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा नहीं कह सकते, जिस भी काम में रहेगा ठीक ठाक रहेगा। पर इसकी पत्नी से अगर इसके संबंधों को चेक करते हैं तो पत्नी भाव में राहु है, राहु पत्नी भाव में है, खुद के लग्न में केतु है, तो खुद का दिमाग यूज नहीं करेगा, पत्नी जो कहेगी वो कर देगा। और इसकी पत्नी शुरुआत में इसे बहुत अच्छी सलाह देगी, बाद में इसका घर बर्बाद कर देगी। इसकी पत्नी बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाली बन जाएगी, इसकी पत्नी बहुत चालाक हो जाएगी, इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बोलेगी और इस पर रौब दिखाएगी और इसी चक्कर में ये आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। इसकी पत्नी ही अपने दिमाग की वजह से इसके डिप्रेशन का कारण बनेगी, क्योंकि इस व्यक्ति का हृदय बहुत भावुक है और ये बहुत दिमागदार हो जाएगी और दिमाग ज्यादा चला चला के इसका हृदय तोड़ देगी, जिस कंडीशन में ये व्यक्ति बहुत ही हृदय से टूट जाता है। ये बहुत ज्यादा बोलने वाली पत्नी हो जाएगी, इससे हमेशा हारेगा, ये कभी अपनी पत्नी से बहस में नहीं जीत सकता है। पति पत्नी लंबे समय तक अच्छे संबंध नहीं चल पाएंगे, इसको इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि इसके ब्रेन में प्रॉब्लम बन जाएगी, पैरालिसिस तक हो सकता है, ये दुर्घटना का शिकार हो सकता है, ये गाड़ी चलाते समय कुछ और सोचता इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट योग हो सकता है, विकलांग हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा है इस व्यक्ति की पत्नी को चाहिए कि अगर आपके पति की कुंडली में केतु बैठा हुआ है तो इस पति को, इसकी पत्नी को चाहिए कि इसे प्रेम से रहे, अपनी ज्यादा इसके ऊपर मनोपली ना करे। और अगर ये पत्नी की कुंडली है तो पति को चाहिए कि इसके साथ प्रेम से रहे, ये उल्टा भी है। अगर ये पत्नी की कुंडली है तो पति बहुत दिमाग चलाएगा, पत्नी भावुक हो जाएगी, पति की कुंडली है तो पति भावुक हो जाएगा, पत्नी दिमाग चलाएगी। तो यहाँ जिस भी लड़की या लड़की कुंडली की लग्न वृश्चिक है उसमें केतु बैठा है तो आपको जरूरत है कि आपको उसे प्रेम से एडजस्ट करना है, उसकी बातें सुनिए। वो बहुत भावनात्मक व्यक्ति है, बहुत भावुक व्यक्ति है, बहुत टूटा हुआ व्यक्ति है, उसका हृदय टूटा पड़ा है और आप उसे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा समझाएंगे, ज्यादा डराएंगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसका खामियाजा आप ही के रिश्तों को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से समझना इस योग को यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसे एक समस्या और आएगी कि जो केतु है, हृदय टूटा हुआ है, उधर माता सपोर्ट करेगी नहीं, पत्नी ज्यादा दिमाग चलाएगी या पति ज्यादा दिमाग चलाएगा, सास ससुर सपोर्ट करेंगे नहीं, पति रोब दिखाएगा, पति बार बार इंसिस्ट करेगा मेरे ये काम कर, मेरा ये काम कर, पति पत्नी में विवाद बनेगा और ऐसी स्थिति में इनके सामने एक चुनौती बन जाती है कि मैं इन्हें चुनूं या इन्हें चुनूं। व्यक्ति के सामने रहता अपनी माता का साथ दूं या पत्नी का साथ दूं, इस बीच में दुविधा में फंसेगा और गलत कदम उठा लेगा। पत्नी ये सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या अपने पति के घर पे रहूं और इस चक्कर में वो एक गलत कदम उठा लेगी और घर का विनाश कर बैठेगी। तो आपको ऐसी कुंडली में अगर वृश्चिक लग्न है, केतु राहु बैठे हुए हैं आमने सामने, तो भगवान के लिए थोड़ा संयम से काम लीजिए। ये बहुत अच्छा योग भी है पर इसके प्रभाव बहुत खराब भी आते हैं। दूसरा देखते हैं, शुक्र अगर वृश्चिक लग्न में है तो जितने ग्रह मैंने बनाए हैं, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और दशम, इन भावों में शुक्र ज्यादातर गलत नतीजा देगा, ये अच्छा योग नहीं बनाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो खराब योग बनेगा वो द्वितीय भाव में बनेगा, क्योंकि यहाँ का बृहस्पति इसे नीच दृष्टि से देखेगा।
तो ये योग थोड़ा सा समझने वाले होते हैं, तो इसको समझ लीजिए। अगर इस तरह के भावों में आपकी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है तो आपका लग्नेश खराब हो जाएगा, आय भाव खराब हो जाएगा, रिश्ते नाते संबंध खत्म हो जाएंगे, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पत्नी संबंध विच्छेद हो जाएगा, आपकी डेथ और आपके रोग विकार शरीर की प्रॉब्लम बन जाएगी और पिता से संबंध खराब हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, एक तो आपको झगड़ा नहीं करना, आपकी माता का स्वभाव शत्रुता भरा रहेगा आपके लिए, आपको अपनी माता से प्रेम से रहना है, क्योंकि आपकी माता वो पल ढूंढेगी जिसमें आपको नीचा दिखाया जा सके। या तो वो आपकी बहन के साथ अच्छे संबंधों में रहेगी, आपकी बुराई करेगी, या अपने किसी और रिश्तेदार के साथ अच्छे संबंध में रहेंगी, आपकी बुराई करेगी, तो रिश्तेदारों के बीच में भी आपकी बुराइयां चलेंगी और माता आपकी बहुत बुराई करेगी। भले ही आप माता के कितने ही परम भक्त हो, आपकी माता का स्वभाव आपके लिए कष्टों भरा और झगड़ालू भरा होगा। ये बहुत लोग मेरी इन बातों पे कहते हैं कि नहीं सर, माता तो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, माता हमेशा अच्छी होती है, अच्छी बात है, लेकिन माता के भी ग्रह होते हैं और माता भी एक स्त्री है और स्त्री के भी अपने गुण होते हैं। तो उसमें माता हो या पत्नी, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब आपके ग्रहों का खेल है। तो माता शत्रु भरी होगी, भाई बहनों संबंध खराब हो जाएंगे, सगाई होकर टूटेगी ऐसे व्यक्ति की, बार बार आपकी सगाई टूटती रहेगी, रिश्ते देखने वाले आएंगे, आएंगे नहीं, तारीख देके चले जाएंगे, आएंगे नहीं, फोन उठाना बंद कर देंगे, आपकी शादी होते होते टूट जाएगी, विवाह से पहले तारीख तय हो जाएगी, विवाह से पहले आपका पति जिससे शादी होनी है, पत्नी जिससे शादी नहीं भाग जाएगी, विवाह के बाद भाग जाएगी। तो भाई आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न में शुक्र बड़ा खराब है। अगर ये स्थिति आपके चल रही है तो इसके लिए कुंडली देखो ध्यान से, आय के स्रोत बाधित हो जाएंगे आपके, कार्य क्षेत्र में बार बार नजर लगेगी और आप बार बार अपने काम को बदलते चले जाएंगे, अवैध संबंधों में पड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बन जाती है। और अगर सूर्य भी नीच का हो जाए, यानी कि इस भाव में छठे भाव में सूर्य भी नीच का हो जाए, शुक्र पहले से ही खराब हो और सूर्य नीच का हो, तो उस कंडीशन में आपको गंभीर रोग बनेंगे, बहुत बड़ी समस्याएं बनेंगी, अस्थि रोग बन जाएगा, पैरों में हमेशा दर्द रहना शुरू हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, पारिवारिक विवाद और बढ़ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि आचार्य आप तो हमेशा नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से पंडित, बहुत से ज्योतिषी आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जब तक आपका अच्छा समय चल रहा है तब तक आपको ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं होती है, ना आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत होती है, ना भगवान को याद करने की जरूरत होती है, और इवन आप करते भी नहीं। अगर ज्योतिषी के पास आप आते हैं और ज्योतिषी कहे कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप दूसरों पे भरोसा करते हैं, आप पे कोई भरोसा नहीं करता है, आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, कोई आपको सहायता नहीं देता है, ये बहुत ही फिजूल की बातें हैं, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आपकी कुंडली में विवाद चल रहे हैं, आपकी कुंडली में समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन खराब चल रहा है, तो उसके कुछ ग्रहों का खेल है, उन ग्रहों को ठीक कर लीजिए, आपकी कुंडली शायद बदल जाए, ये समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ते जा रहे हैं, ऊंची शिक्षा लेते जा रहे हैं, वो अपने सनातन, अपने सभ्यताओं को खोते जा रहे हैं, उन्हें ज्योतिष अड़ंबर लगने लगता है, विवाद लगता है कि ज्योतिष ढकोसला है, ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष एक साइंस है, इसमें आपके नेगेटिव चीजें जो चल रही हैं उनको समझिए। अच्छा समय तो आप सुधार लेंगे, अच्छा समय में तो आप मजे लेंगे ना, लेकिन जब बुरा समय आपकी कुंडली में आता है तो सबसे पहले सोचिए वो आ क्यों रहा है, कारण को समझिएगा। कारण समझ में आ गया तो आप उसका इलाज कर लेंगे, कारण समझ में नहीं आया तो फिर वो बुराई और वो नेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो समझिए, पत्नी, अच्छा यहाँ शुक्र है सप्तम भाव में आपकी कुंडली में, लग्नेश, लग्न आपका वृश्चिक, मंगल और शुक्र बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो इसमें पत्नी बड़ी सुंदर होती है पर वो खर्चीली बहुत होती है, शुरू में आपसे प्रेम भी करेगी लेकिन आपका सारा पैसा खर्च में उड़ा देगी, फैशन में उड़ा देगी और आप उससे परेशान हो जाएंगे। आपके इनकम कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, वो आपको परेशान करके छोड़ेगी अपने खर्चों की वजह से। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, एक तो कोशिश ये कीजिए आप कर्ज ना लें। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, वृश्चिक लग्न है, सूर्य नीच का है, तो एक तो आपको कर्ज नहीं लेना। इसमें क्या होगा, मान लो आप कर्ज ले लेंगे तो वो उतरेगा नहीं, और अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो वो आएगा नहीं। ये वृश्चिक लग्न के, शुक्र के और सूर्य का खराब होने के गुण होते हैं। तो ऐसे जातक को न तो कर्ज लेना चाहिए, ना कर्ज देना चाहिए, जितना कमा रहे हैं उसमें सब्र रखना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर मारेंगे लॉस उठा लेंगे, बड़ा बिजनेस करने की सोचेंगे, मोटा पैसा उसमें लगा देंगे, प्रॉफिट आएगा नहीं। तो ये चीज आपको बचा के चलनी है। या आपने एक बार बहुत सारा पैसा लगा, और ये सिर्फ वृश्चिक लग्न नहीं, ये आपका मंगल की वजह से भी होता है।
बहुत सारे लोगों का लग्न वृश्चिक नहीं है लेकिन उनके साथ भी ये समस्या होती है, तो उसके मंगल और शनि की और शुक्र की प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में, खेती बाड़ी में या किसी व्यवसाय में पैसा तो बहुत लगा देंगे और उससे जब रिटर्न की बात आती है तो सब खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका मंगल, शुक्र और शनि इन तीन को देखिए, मंगल शुक्र और सूर्य, सॉरी शनि नहीं, मंगल शुक्र और सूर्य, इनको समझिए ध्यान से। इसको आप अगर पढ़ गए तो आप समस्या का समाधान पा लेंगे और उन ग्रहों को ठीक करेंगे तो काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर इनका चंद्रमा नीच का हो, यानी वृश्चिक राशि, सॉरी वृश्चिक राशि ही हो, लग्न वृश्चिक और उसमें चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा यहां बैठ के नीच हो जाता है, ये ध्यान रखना। प्रथम भाव में चंद्रमा नीच हो जाएगा और चंद्रमा आपको देता है शांति, आपकी माता का प्रेम, आपको सामंजस्य, सहन शक्ति, सहनशीलता, विवाद कितना भी बड़ा हो चुप रहना, चंद्रमा का गुण है। लेकिन अगर चंद्रमा नीच का हो जाए वृश्चिक लग्न में और प्रथम भाव में बैठा हो तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, ये व्यक्ति बात बात पे शोक मनाएगा, इसकी माता का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता रहेगा, इसे खुद वात रोग, पित्त कफ रोग ये होते रहेंगे, जल्दी जल्दी इसे सर्दी लगेगी, नजला जुकाम इसे बहुत जल्दी जल्दी होगा, इस जातक का बात बात पे रोना आएगा क्योंकि इसका चंद्रमा नीच हो चुका है, चंद्रमा थोड़ा डाउन हो चुका है, डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या करने की इच्छा करेगी, ये सोचेगा कि मर जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर पानी में डूब के मरना पसंद करता है, ये ध्यान रखिएगा। मरने के भी अलग अलग योग होते हैं, कुछ लोग ट्रेन के नीचे कट के मरना चाहते हैं, वो मंगल की वजह से है, शनि की वजह से है, कुछ लोग फांसी पे झूल के मरना चाहते हैं, वो बृहस्पति की वजह से है, कुछ लोगों का मरने का मन करता है जल के, वो मंगल की वजह से है, कुछ लोगों का मन करता है पानी में डूब के मरने का, नदी में कूद के छलांग लगा देगा, वो चंद्रमा की वजह से है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का, चंद्र राशि का मतलब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की आत्महत्या करती है, पानी में डूब के मरने का मन करता है, मानसिक विकार हो जाता है, ये व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाएगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है और उसका कोई भी मित्र, सगा संबंधी कोई भी इसे आएगा, इसकी मजाक तो लेगा लेकिन इसको दिल से सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, तब उस सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के साथ में हंसी मजाक ज्यादा ना करें, ऐसे व्यक्ति का दिल ना तोड़ें, ये बहुत टूट जाता है, इसका चंद्रमा पहले ही डाउन है, ये छोटी छोटी बात पर रो पड़ेगा और ये अवसाद में चला जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का हो जाए, उच्च चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा इस जातक के लिए, अगर उच्च चंद्रमा है तो उच्च चंद्रमा होगा सेवेंथ हाउस में, वृश्चिक लग्न सेवेंथ हाउस में चंद्रमा उच्च हो जाएगा तो उस कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसे कुछ भी कहते रहो इसे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, बहुत आत्म स्वाभिमान इसके अंदर रहेगा, संतोषी रहेगा, बहुत संतोष से रहता है, पैसे के पीछे कभी नहीं भागेगा, ये व्यक्ति एक टाइप से साधु है। अगर चंद्रमा ऊंचा तो समझ लीजिए बिल्कुल साधु है, इसकी पत्नी कुछ भी कहे को फर्क नहीं पड़ता, इसकी माता कुछ भी कहे को फर्क नहीं पड़ता, ये बस ध्यान में रहता है, इसका अपना एक टारगेट है उसी पर लगा रहेगा, बिल्कुल शांत चित्त शांत मन से लगा रहेगा, तो वो बहुत अच्छा योग हो जाएगा। दूसरा, इसकी पत्नी इसी बात से परेशान हो जाएगी कि मेरी सुनता ही नहीं है, इसकी माता कहेगी तो सुनता ही नहीं है, तो इसकी माता इसे सुनाती रहेगी सुनेगा नहीं, पत्नी सुनाती रहेगी सुनेगा नहीं, तो ये इसके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा योग है, इसका कभी विवाद नहीं होगा, झगड़ा करेगी पत्नी कोई फर्क इसे नहीं पड़ेगा, तो ये तो एक टाइप का साधु हो जाता है। और अगर नीच का चंद्रमा हो गया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं एक बार तो 7535002233, बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करते हैं फिर व्हाट्सएप नंबर में कंफ्यूज रहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी कुंडली की डिटेल भेज सकते हैं, डिटेल्स में क्या क्या भेज सकते हैं आप, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, वो आप भेज के अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट की राशि क्या है, किस तरह से अपॉइंटमेंट हम लोग करते हैं, कब तक का अपॉइंटमेंट मिलता है, वो उसके लिए आप इन पे पर कॉल कर लीजिए, बहुत ज्यादा चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, हमें अपने लोगों को, हम चाहते हैं कि ज्योतिष से संबंधित या ज्योतिष की बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज्योतिष के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को खत्म किया जा सके, हमारा मेन पर्पज ये है, हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम आपसे 5-5, 10,000 की फीस लें और आपसे अपना बैंक अकाउंट भरे, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत मिनिमम फीस हम लोग लेते हैं, ऐसी फीस जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी एक यूट्यूब के जरिए एक ज्योतिष से आपको मिलने की, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए और अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करा लीजिए, हो सकता है आपकी कुंडली का विश्लेषण आपके ग्रहों को बदल दे और आपका जीवन सुधर जाए, उसमें यही हमारी आशा है कि सभी खुश रहें और सभी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद सभी को।